अपने दिल की तरफ दिखाते हैं आपको आगे। फीकी मैक्रोनी, फीकी ब्रेड, ये मटन का सूप सा दाल में मिक्स। पता नहीं कैसे सटके गए, इसका तो और भी बुरा हाल है। देख देख धीरे धीरे। तो गाइस जैसा कि आप जानते ही हो, आ गए थे होटल से और अपना अब जिम की तरफ निकल चुके हैं। शोल्डर करूंगा आज। एक चीज और, आज मेरे को काम पे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा गर्म दिन आज था। इतनी धूप दिन काटना भारी पड़ गया आज तो। चलो दिखाते हैं आपको आगे का। तो गाइस हो गया वर्कआउट कंप्लीट। हालत वही एज यूजुअल ख़राब, पर एक वो है फ़ायदा। एक तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है गर्मी में मैं ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करता हूँ, मतलब सर्दियों के मुकाबले। जब पसीना वसीना बहता रहता है थोड़ा सा अच्छा लगता है। दूसरा ये कि एक तो जिम ठीक ठाक है, मतलब बड़ा। दूसरा अकेले वर्कआउट करने का यही मज़ा है, अपने मन मर्जी से जो मर्जी करो, जितना मर्जी वेट उठाओ, मतलब कम या ज़्यादा जैसा भी आपको ठीक लग रहा है। और ना एक पंप नहीं टूटता, अगर यहीं कोई साथ में हो तो वेट करो या कुछ बातचीत में लग जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो पंप सा टूट जाता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके बताओ नीचे। गाइस बातों में घर की तरफ चल दिया था। याद ही नहीं रहा कि रूम पार्टनर बोला था कि आज दाल के पराठे बनाएंगे, तो दही ले आइए साथ में। बड़े दिनों के बाद पराठे, ऐसा मतलब आटे का कुछ खाने को मिलेगा, अन्य ब्रेड पर चल रहा था जीवन। दही लाऊंगा, बहुत सारे पराठे खाऊंगा आज तो। सुबह उठा लिया दही। टैलेंट ढूंढ के लाए अब तो हमने सर एक खबर सुनी आपके बारे में कि जब तो गाइस टीवी देख रहा हूँ मैं अभी, अपना डिनर विनर करेंगे दाल के पराठे और दही, उसके बाद एडिट मारूंगा थोड़ा सा, व्लॉग अपलोड करूंगा, आप सब देखना, घर वालों से बात करूंगा और सो जाऊंगा। आज बहुत थका हुआ हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके भाई का चैनल है।